approximate Indian population according to recent census? एनसीईआरटी ने 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन बताई थी। लास्ट जो एनसीईआरटी ने बता रखी है वो 2011 के अकॉर्डिंग बताई थी और 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो पॉपुलेशन थी ये कितनी थी, 1.2 बिलियन। कितनी थी? 1.2 बिलियन। तो हम उसी को, हम क्या करेंगे, उसी को या तो हम उसी को बेस बना के अपना आंसर कर दें, एनसीईआरटी को ही बेस बना के हम आंसर कर लें तो भी हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम हेलो टीचर्स, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है, और रीसेंट जो डाटा है उसको भी यहाँ पर हम शेयर कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें 2021 सेंसस की, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन पॉपुलेशन है वो है 1.39 बिलियन एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द 2021 सेंसस रिपोर्ट, है ना। तो आप देख लीजिए, दोनों ही यदि आप डाटा देखेंगे तो आप इसमें से ऑप्शन जो है वो कौन सा चूज करेंगे, अबाउट 1 बिलियन, है ना, 1 बिलियन के अप्रोक्सीमेट वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे क्योंकि बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। अबाउट 1 बिलियन कर रहा है तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, अबाउट 10 बिलियन करेंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, एंड अबाउट 15 बिलियन करेंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मतलब हम सबसे क्लोज वाला आंसर चूज करते हैं इन द केस ऑफ डाटा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन टीचर्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन की कैटेगरी को हम दे देंगे ईजी कैटेगरी, ठीक है, जस्ट रिमेम्बरिंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, रिमेम्बरिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट डाटा यूज करके हम सिंपल यहाँ पे आंसर कर सकते हैं।